के बाद अब सपा ने शुरू की परशुराम पर राजनीति। प्रदेश के 75 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान। यूपी के गोंडा जिले में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व सपा के प्रबुद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम व 1857 के गदर के नायक शहीद मंगल पांडे की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है। इन मूर्तियों को सपा की प्रबुद्ध महासभा की तरफ से लगाया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। NCRB के आंकड़ों के हवाला देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार इन वारदातों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पूर्व मंत्री ने अपराधियों के एनकाउंटर के फेक एनकाउंटर बताया और कहा कि ह्यूमन राइट्स ने अपने रिपोर्ट में इन एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भगवान परशुराम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोगों पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। ऐसे में अगर सपा उनकी मूर्ति लगाने जा रही है तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सपा की ओर से पिछले महीने ये निर्णय हुआ था कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में भगवान परशुराम जी की मूर्ति और 1857 के गदर के नायक शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति का को लगवाया जाएगा। वहीं प्रबुद्ध सभा की तरफ से यह भी निर्णय हुआ था कि जनपदों में गांव में गरीबी है, हर जात और वर्ग में है, उसी के साथ ब्राह्मणों में भी है। ब्राह्मणों की जो गरीब कन्याएं हैं और आर्थिक संपन्नता न होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा, उसमें भी प्रबुद्ध सभा मदद करेगा। देखिए, जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो मूर्ति लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। भगवान परशुराम पर कोई विवाद हो नहीं सकता। सारे शास्त्र, वेद और पुराण भगवान परशुराम जी की महत्ता को लिखा है। भगवान विष्णु के छठवें अवतार माने गए हैं। और हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई सबसे पहले, अहिल्या बाई की लगाई, झलकारी बाई की लगाई, माहेपासी की लगाई, वीरा पासी की लगाई। और अगर हमने परशुराम जी की मूर्ति पर सवाल उठाया है तो हमें लगता है कि इस पर किसी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सबको इस पर आभार देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और साथ देना चाहिए। इसलिए करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम जी। मंगल पांडे जी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 1857 की गदर के नायक रहे मंगल पांडे जी। तो भारत अपनी संस्कृति से, सभ्यता से और इतिहास से जाना जाता है। अगर हम इतिहास के महापुरुषों को जीवंत करने का और उनकी जो गुणगान है उनको जन जन तक जिंदा रखने का प्रयास हम कर रहे हैं तो इसमें कोई इसको राजनीतिक रूप से और इसको किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। वही सपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बलिया के पत्रकार रतन सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि इस सरकार में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। भले ही सरकार कोई आंकड़े दे दे, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में उत्तर प्रदेश कई अपराधों में नंबर एक पर है। यदि हम देखें तो बलात्कार, छेड़छाड़ और महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। बाल अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। और हम देखें तो छिनौती और लूट की घटनाओं में भी उस सरकारी एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर एक पर। अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा और जिस तरीके से रोज लगातार हत्याओं की घटनाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आ रही हैं वो चिंताजनक है। कल की ही बात है, एक सहारा पेपर के पत्रकार की हत्या हो गई। कल की ही बात है कि मेरठ में दो लोगों की हत्या हो गई। इस तरीके से लगातार हत्याओं का दौर जो चालू है वो इस बात को इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस की तरफ से अपराधियों के एनकाउंटर पर भी पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अधिकतर एनकाउंटर फेक हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि विकास दुबे के उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है।
लेकिन 3 दिन पहले ससुराल आई खुशबू दुबे को किस आरोप को तहत जेल में बंद किया गया। विकास दुबे के 14 साल के बेटे को पुलिस ने अपराधी जैसी मुद्रा में सरेंडर कराया, ये बड़ा सवाल है। राइट ने बड़ी आपत्ति प्रकट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है कि अधिकांश मामले फेक इनकाउंटर में पाए जा रहे हैं, इनकी अलग से जांच करनी चाहिए और उनकी जांच उत्तर प्रदेश में चल भी रही है। तो जब ह्यूमन राइट्स ये संशय प्रकट कर रहा है कि फेक इनकाउंटर नहीं होने चाहिए और कई देशों में फेक इनकाउंटर हुए, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है वो अगर इस पर कोई बात उठा रही है फेक इनकाउंटर पर, तो सवाल उठ रहे हैं कि इनकाउंटर की एक व्यवस्था है, कैसे इनकाउंटर होगा, उसके तरीके हैं। अब उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे, और मैं नहीं इसको दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, इसको ह्यूमन राइट्स कर रहा है, तो सवाल तो इस पर खड़े होंगे। सर एक सवाल का जवाब हमें और दे दीजिए, सवाल बहुत हो गए। बस एक लास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे पहले दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम में होते